और एक की शादी हो गई। शादी की मार्केट में मेरा एक कंपटीटर कम हो गया। अरे भाई तुम्हारी भी जल्दी हो जाएगी पोपटलाल। हम गोकुलधाम वालों की किस्मत भी कितनी अजीब है ना। क्यों? अरे भाई सारी परेशानियां सुबह से सप्तरंगी की वजह से हो रही थी और वो सामने आया तो डांट भी ना सके। हाँ उल्टा उसको आशीर्वाद देके हमने उसको बधाइयां दे दिया। अरे भाई यही तो हमारे गोकुलधाम वासियों की खासियत है, अपने खुद के दुख भुलाकर दूसरों की खुशियों में खुश होना। बापू जी। चाचा जी बात तो सही है कि हम लोग की खासियत की वजह से सप्तरंगी भाई का घर बस गया, लेकिन अभी हम सबके घर की जो हालत है उसका क्या? हमारा घर तो गोडाउन बना पड़ा है। अरे भाई मेरे को तो एलर्जी हो जाएगी, मैं तो जुकाम के मारे परेशान हो जाऊंगा। हमारे घर की दीवार भी टूटी हुई है ना, और हमारे घर में हर जगह वायर लटक रहे हैं, और हमारे घर में फ्लोरिंग निकल गए। हमारे पूरे घर की सारी दीवारों का प्लास्टर निकाल दिया है। हाँ भाई अब तो हम ना घर के ना घाट के पूरे फंस गए। क्या होगा? अरे सब लोग इतने उदास क्यों हो गए? अरे जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, कोई काम किसी के बिना रुकता नहीं है। अरे भाई सप्तरंगी हमारे घर का रिनोवेशन नहीं कर पाया तो जिंदगी भर हमारे घर ऐसे ही थोड़ी रहेंगे, हम रिनोवेशन किसी और से करवा लेंगे। बापूजी। बापूजी हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता बता ही देते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने, बिल्कुल सही कहा। अगर हम लोग रास्ते में कहीं जा रहे हैं और चलते हुए गिर पड़े, ठोकर लग जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम फिर चलना छोड़ देंगे। हाँ हम फिर से उठेंगे, मजबूती के साथ फिर चलेंगे और मंजिल पा लेंगे। बिल्कुल। वाह वाह बापू जी वाह, वाह मेहता साहब वाह, आप दोनों की बातों ने तो हमें फिर से हिम्मत दे दी। क्यों भाई? कोई बात नहीं, हम किसी और से अपने घर का काम कराएंगे। देखिए रिनोवेशन जिससे भी करवाए पर जल्द से जल्द हमारे घर का रिनोवेशन होना जरूरी है। और अभी तो दिवाली आ जाएगी, और दिवाली के पहले रिनोवेशन हो ही जाना चाहिए वरना हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। हाँ सही बात है, अभी बेहाल हो रखा है। फिर तो अब हमको जल्दी से कोई इंटीरियर डिजाइनर ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई हम लोगों के जिसके भी जान पहचान में कोई कॉन्ट्रेक्टर है उसको बुलाते हैं और बात करते हैं। ठीक है मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि परसों ठीक रात को 8:30 बजे हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम सब लोग अपने अपने पहचान के कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे और उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हम लोग रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। बराबर है? हंस ये इंटीरियर डिजाइनर अब तक आए क्यों नहीं? कुमल चिंता मत करो, मिस्टर तनेजा आते ही होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ना नहीं कहेंगे। ओह दैट्स लवली। नमस्कार डॉक्टर हाथी। नमस्कार मिस्टर तनेजा। अरे बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी मैं आपके बारे में अपनी वाइफ कोमल को बता रहा था, यही है मिस्टर तनेजा। नमस्ते कोमल भाभी। नमस्ते, बैठिए ना मैं कुर्सी लाती हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके। कहिए डॉक्टर हाथी कैसे याद किया मुझे? तनेजा जी घर की हालत देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आपको क्यों याद किया है। एक्चुअली हम सबके घर का रेनोवेशन करने का कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिया था सप्तरंगी भाई, उनको अचानक USA जाना पड़ा और उसी वजह से सोसाइटी के कई घरों का काम अटका पड़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर करा देंगे, ना नहीं कहेंगे। हाँ जरूर। अरे क्या बात है मिस्टर करने, थैंक्स अ लॉट। अरे आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा हमारा टेंशन दूर कर दिया, मैं पूरे सोसाइटी को फोन करता हूँ। डॉक्टर आदि, डॉक्टर आदि, एक मिनट। मैं ये कह रहा था कि मैं आपका काम जरूर कर देता, लेकिन मेरे हाथ में अभी 2 काम है और उसको कंप्लीट होते मेरा 2 महीना चला जाएगा, उसके बाद मैं आपके घर का रिनोवेशन स्टार्ट कर दूंगा। 2 महीने? तनेजा साहब कुछ और इंतजाम करके आप 1-2 दिनों में काम शुरू नहीं करवा सकते? हमें दिवाली से पहले घर का रेनोवेशन कंप्लीट कराना है। I'm sorry कोमल भाभी, एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरे हाथ में ऑलरेडी 2 काम का कमिटमेंट है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और का काम खराब हो जाए। Right. तो मैं चलूं? कुछ चाय कॉफी? नहीं नहीं एक्चुअली आई हैव अ मीटिंग, सो जय हो, बाय। कोमल मुझे तो लगा था कि मिस्टर तनेजा मान जाएंगे पर वो तो बहुत बिजी है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है कि हमारे घर का काम कब होगा कैसे होगा। हंस गोकुलधाम में बाकी सब भी कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर जरूर मान जाएगा। सही बात है। कोमल छोटी का तो गैरेज है, उसे तो कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर मिल ही जाएगा। ओ गुलाटी यारा तू तो बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर है,
और रेनोवेशन के तूने बड़े बड़े काम किए हैं, अभी हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के रेनोवेशन का काम तूने ही पूरा करना भाई। ओए सोटी भाई, आपकी सोसाइटी में रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है? वो शुरू हो चुका था पर अभी थोड़ा रुक गया यार। पर हाँ, सभी घरों की डिजाइन रेडी है, तोड़फोड़ भी शुरू हो चुकी है, रेती सीमेंट ईंट बजरी ओए सब सारा सामान आ चुका है। और यारा, इस पूरे रेनोवेशन के काम को दी एंड तक तुझे पहुंचाना है। हाँ गुलाटी भाई साहब, आप है ना जल्द से जल्द रेनोवेशन का काम करना फिक्स कर दो और ताबड़तोब काम भी शुरू कर दो। माफ करना रोशन भाभी सोडी भाई, मैं किसी का आधा अधूरा छोड़ा हुआ काम नहीं करता। वाह की गल होगी यार, वो किसी की भी अगर बिगड़ी हुई गड्डी मेरे पास आती है ना और दूसरा गैराज वाला नहीं करता तो मैं गड्डी ठीक करके देता हूँ उसको। यार मैं नहीं करता। वो ऐसे कैसे नहीं करेगा, और रोशन डार्लिंग अलमारी के पास मेरी हॉकी स्टिक रखी है ना, ओए उसके पास मेरा बैग है ना, उसके अंदर चेकबुक रखी है, वो लेके आना डार्लिंग। अच्छा, पन चेकबुक क्यों? ये गुलाटी साहब अभी बहुत बड़े इंटीरियर डिजाइनर हो गए हैं ना, तो इनको पैसे भी बड़े चाहिए, और मैं दूंगा तुम्हें बड़े पैसे। पर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सारी तकलीफ दूर करके दिवाली से पहले रेनोवेशन हो जाना चाहिए यार। सॉरी सोरी भाई, सबके अपने अपने असूल होते हैं, मैं नहीं कर सकता। सॉरी यार, सुन 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 गुलाटी, सुन तो सही यार, कैसे अजीब से असूल है इसके, ये जान पहचान वाला तो कुछ काम ही नहीं आया। हे भाई जी, तुसी उन कुछ कृपा करो और कोई अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढवा दो जी। ये रोशन जेठा भाई बिजनेसमैन है तो उनके जान पहचान में जरूर कोई अच्छा इंटीरियर डिजाइनर होगा। अच्छा नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ओके ओके हाँ ओके। इतने पहचान वाले है लेकिन रेनोवेशन के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है बापू जी। मेरी मौसी के बेटे के साले के मामा जी के ननदों का बेटा गिरीश है। हाँ तो उसने अभी अभी इंटरवल की पढ़ाई पूरी की है। किसकी पढ़ाई पूरी की है? वो हिंदी में बोले तो घर की सजावट की पढ़ाई होती है, वो पूरी की है अभी अभी। तो रिनोवेशन का काम उसे दे देते हैं ना? नहीं नहीं, उसको नहीं दे सकते। क्यों? अरे इतने बड़े काम के लिए हमें कोई अनुभवी चाहिए, किसी सिखाओ को ये जवाबदारी नहीं सौंप सकते। जेठिया की बात बराबर है बहू। बापूजी, आपके मित्र है ना नकजी काका, उन्होंने अभी 6 महीने पहले ही घर में रिनोवेशन का काम करवाया, तो उनको पूछे ना कि उन्होंने किससे करवाया। अरे हाँ बराबर है बहू, जेठिया जरा नकजी को फोन करके पूछ। हाँ नकजी काका, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। बस बस मजे में। हाँ बापूजी भी मजे में। हाँ दया भी एकदम मजे में। नहीं नहीं, वो बात ये थी कि वो आपने अभी थोड़े टाइम पहले रिनोवेशन का काम करवाया था ना घर में, तो किससे कराया था? नहीं क्या हमारी सोसाइटी में सब लोग सोच रहे हैं ना काम कराने का, तो इसलिए मैंने सोचा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, बराबर बराबर ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ ओके, क्या कहा उसे? वो तो कह रहा कि वो आदमी बराबर नहीं है, बहुत मगजमारी हुई उसके साथ, तो उसने पहले बोला कि 3-4 महीने में काम खत्म कर देगा, लेकिन 1 साल लगा दिया। ओह, तो अब क्या करें? मैंने वैसे नट्टू काका और भागा को बुलाया है, देखते हैं उनकी पहचान में कोई निकल आए तो। नहीं नहीं सेठानी जी, चाय नाश्ता पानी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ सेठानी जी, क्योंकि क्या है अभी रास्ते में आते वक्त मैंने और नट्टू काका ने मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खाए। फाफड़ा जलेबी? कहिए सेठ जी, आपने हमें क्यों मंगवाया? हाँ वो बात दरअसल ये है नट्टू काका, कि गोकुलधाम सोसाइटी में जो रिनोवेशन का काम वो सतपू भाई कर रहे थे ना, उनकी बेचारे की शादी तय हो गई तो वो अमेरिका चले गए हैं। क्यों, उन्हें शादी नहीं करनी थी? नहीं नहीं, शादी अमेरिका में ही तय हुई है। अरे वाह, लड़की अमेरिकन है? नहीं पता नहीं, वो नहीं नहीं, वो हिंदुस्तानी ही है। तो फिर शादी अमेरिका में क्यों? बागा, शायद सत्तू भाई अमेरिकन होंगे। अरे नहीं भाई नहीं, वो बंगाली है। तो फिर शादी अमेरिका में क्यों? अरे भाई छोड़ो ना लपन छपन, आपको क्या पंचाते हैं इतने, जिस बाप के लिए आपको बुलाया वो सुनो ना भाई। बागा लिसन क्वाइटली। लेकिन नटू काका सेठ जी बताएंगे तो सुनूंगा ना। यस यस,
बाघा ऑल्सो राइट। आप बताएंगे तो हम सुनेंगे ना। तो सुनो, जो सतपू भाई अमेरिका चले गए हैं रिनोवेशन का काम छोड़ के, तो आप लोगों को मैंने इसलिए यह बुलाया कि आप लोगों के ध्यान में कोई ऐसा आदमी है जो ये रिनोवेशन का काम पूरा कर सके। सेठ जी, मेरा एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, पिछले 10 साल से वो रिनोवेशन का काम कर रहा है। अरे वाह, बोलिए बोलिए। हाँ, तो बुला उसको, अभी कभी यहाँ बुला। वो तो अभी नहीं आ सकता। क्यों? वो थोड़ा जेल में है। अच्छा अच्छा, वो जेल में रिनोवेशन का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं सेठानी जी, वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर है। बागा जो नहीं आ सकता यहाँ, तो उसके बारे में क्यों बता रहे भाई हमें? सेठ जी, वो बहुत ही मस्त आदमी है, काम भी एकदम अच्छा करता है, एक दो महीने में जेल से बाहर आ जाएगा। हाँ, अगर आपको एकदम अर्जेंट है तो आप उसकी बेल करवा दीजिए, एक दो दिन में बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छा आदमी है सेठ जी, और काम भी एकदम टकाटक करता है। नट्टू काका, आपके ध्यान में कोई है? मेरे ध्यान में? अरे हाँ सेठ जी, मेरे ध्यान में एक है, पर वो जाने दीजिए। क्यों? वैसे काम तो उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा, वो भी थोड़ा जेल में है। क्या सेठ जी, आप भी, सब लोग जेल में थोड़े होते हैं। हाँ, वो तो पिछले महीने ही छूट गया। मैं ये कह रहा था कि वो बड़ा गुस्से वाला है, अगर कोई कारीगर बराबर काम ना करे ना, तो वो हाथापाई पे भी आ जाता है। नटू बागा, तुम लोग रहने दो, हम लोग ढूंढ लेंगे। ए, टप्पू के पापा, सुंदर वीरा को बुला लो। सुंदर? हाँ। नहीं नहीं, सुंदर नहीं। क्यों? तो भाई, मैं नहीं चाहता कि सुंदर का नाम और खराब हो। और खराब? मतलब और एक भाई का नाम खराब हो। क्या कि अभी ये सत्तू भाई, बबीता जी के भाई है, वो काम छोड़ के चले गए, तो भले सोसाइटी वाले बोल नहीं रहे, लेकिन मन ही मन में सबको ऐसा तो हो गया है ना कि अधूरा काम छोड़ के चले गए। तो सुंदर भी क्या, बहुत बिजी आदमी है, 50 जगह उसका धंधा फैला हुआ है, तो नौकरान हरान उसको भी अधूरा काम छोड़ के कहीं जाना पड़े, तो सोसाइटी में उसका भी नाम खराब हो जाएगा ना। तो वैसे मैं नहीं चाहता कि और एक भाई का नाम खराब हो। बराबर है, बराबर। इतनी सारी पहचान है, फिर भी हमें एक भी रिनोवेशन वाले भाई मिल नहीं रहे हैं। टप्पू के पापा, हमारी सोसाइटी में तो अजय भाई लगन जी, शाहरुख भाई खान जी, सलमान भाई खान जी और दीपिका बेन पादुकोण, ये सब आए हैं ना, तो उनको पूछते हैं ना, उनके ध्यान में तो कोई अच्छे रिनोवेशन वाले होंगे ही ना। है, उनको नहीं पूछ सकते भाई। अरे क्यों नहीं पूछ सकते? थैंक यू बापूजी। दया, तो चिंता मत कर, क्या सोसाइटी में सब लोग रिनोवेशन वाले को ढूंढ रहे हैं ना, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। कैसे ढूंढे अय्यर, चाहते हुए भी दूसरा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है बाबा, और मुझे ये भी टेंशन हो रहा है कि पता नहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बबीता, हम तो दूध के जले हैं, हमको छाछ भी फूक फूक कर पीना पड़ेगा। अगर जो हमने किसी को सजेस्ट किया और वो काम छोड़कर चला गया, तो फिर सब लोग हमको ही बोलेंगे। और नहीं तो क्या, एक बार तो सोसाइटी वाले हमारे वजह से परेशान हो चुके हैं, मैं उन्हें और टेंशन में नहीं डालना चाहती हूँ, पर जब तक सोसाइटी का काम फिर से शुरू नहीं हो रहा है, तब तक मुझे टेंशन तो होगा ही। टेक इट इजी बबीता, मेहता साहब राइटर है, उनका बहुत पहचान है, वो कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ ही लाएंगे। आई जस्ट होप सो। तो राय साहब, हमारे घरों का हाल तो आप लोगों ने देख लिया कि साल में है, देखिए सीमेंट पड़ा हुआ है आपके सामने, ये कुर्सियां तक सोसाइटी ऑफिस से मंगवाई है बैठने के लिए, लेकिन आप सब समझ गए ना, वैसे आप समझ ही गए होंगे, इतने काबिल इंटीरियर डिजाइनर हैं आप, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना काम हो गया है, कितना अभी करना बाकी है, तो आप रिनोवेशन का काम कैसे करेंगे आप? हाँ, तारक बता रहे थे कि रॉय साहब बड़ी बड़ी ऑफिस और बड़े बड़े घरों के काम एकदम सुंदर तरीके से कम समय में और फटाफट कर देते। जी भाभी जी, बस यही चाहिए रॉय साहब, हमें गोकुल धाम में भी आपकी एक्सपर्टीज यहाँ अपनाएं और हम सबके घरों का रिनोवेशन फटाफट कर। मेहता साहब, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए,
मैंने ऐसे आधे अधूरे काम कई हाथ में लिए और उन्हें फटाफट पूरा भी किया, अब आपका भी ये काम बस चुटपुट में पूरा हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है, व्हाट अबाउट द बजट? मैंने रिनोवेशन की सारी डिटेल्स देखकर सारा बजट कैलकुलेट कर लिया। हाँ तो फिर बताइए ना देर किस बात की रॉय भाई। बाबू जी सिर्फ 10 लाख रुपए। 10 लाख? सबके घर के रिनोवेशन का बजट 10 लाख? ओ माय गॉड, तारक ताली दीजिए। तारीफ करूं क्या इनकी जिन्होंने ये बजट बनाया। मैं सबको फटाफट ये न्यूज़ देके आती हूँ, सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ताली दीजिए। भाभी जी ये सबके घरों का बजट नहीं है, पर फ्लैट 10 लाख है। क्या दू? ताली दू? ताली? चुप रही ना, पर फ्लैट 10 लाख? साहब अगर आपका बजट पर फ्लैट 10 लाख रुपए है तो हम ये डिस्कशन आगे कर ही नहीं सकते सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोगों का बजट बहुत कम है। अगर मैं आपसे डिस्काउंट भी मांग लूँ तो आप कितना डिस्काउंट देंगे? आई मीन अगर आप 50% डिस्काउंट भी कर दें तो भी हमारे बजट से बाहर है सर। कोई बात नहीं मेहता साहब, इट्स ओके। देखिए आपका बजट नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, अगर बने तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जरूर जरूर सर, थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू सर। क्या तारक, कोई भी आता है कुछ भी बजट बता के चला जाता है। 10 लाख रुपए, आप एक काम कीजिए, दूसरा फटाफट इंटीरियर डिजाइनर ढूंढिए। तो क्या दूसरा ढूंढिए अंजलि, कोई आसान है क्या? कोई सब्जी खरीद के थोड़ी लानी है, इतना आसान नहीं होता इंटीरियर डिजाइनर मिलना। वैसे त्योहारों का टाइम चल रहा है अंजलि, आधे लोग तो बाहर गए हैं, तो यहाँ वो बिजी है, और जो खाली बैठे हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, उन्हें काम की समझ नहीं है, तो ऐसे कैसे किसी को भी बुला लूं? और अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हाँ ये बात भी है। देखिए आप इतना टेंशन मत लीजिए बाबा, इट्स नॉट गुड फॉर यू। हमारी सोसाइटी में से किसी न किसी ने कोई तो अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढा ही होगा। हाँ भाई, मुझे मेरे बस की बात तो लग नहीं रही है। मुझे लगता है भिड़े बड़ा काबिल सेक्रेटरी है, उसने पक्का कोई जिम्मेदार इंटीरियर डिजाइनर ढूंढा ही होगा। हाँ तो नानू भाई, मैंने आपको सभी घर के डिजाइन बता दिए हैं जी, घर में क्या क्या तोड़फोड़ हुई है ये भी बता दिया है, तो अभी आप बताइए कि आप रिनोवेशन करेंगे ना? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए भिड़े भाई, लेकिन जिस बजट में आप लोग कह रहे हैं उस बजट में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए अगर आप लोग को घर दिवाली से पहले चाहिए तो आप लोग को अपने बजट में से 10% एक्स्ट्रा देना होगा। 10% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कठिन है वो रिनोवेशन सर। अरे बिल्कुल कठिन नहीं है भाभी जी, एक रास्ता है जिससे आप लोग का काम आपकी बजट में हो जाएगा। काय काय? क्या? आप लोग इस सोसाइटी के सारे मेंबर से 10% एक्स्ट्रा बजट मुझे दिलवा दीजिए और मैं आप लोग का 10% डिस्काउंट कर दूंगा, है ना? मंजे ये कि बड़े भाई इसे लीजिए ना भाभी जी। अरे बड़े भाई आप लीजिए, देखिए कि मैं आपका ख्याल रखूंगा और आप मेरा ख्याल रखिएगा और आपको आपका घर दिवाली से पहले भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ बड़े भाई, ये बात आपके और मेरे बीच की ही होनी चाहिए। ओ माधवी, भाई साहब हमें रिश्वत दे रहे हैं। अरे नहीं भिड़े साहब, ये तो प्यारी सी लेन देन है। अच्छा अरे भाभी जी आप इन्हें समझाइए ना। देखिए भिड़े साहब, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब हैं, आप जो भी कुछ कहेंगे इस सोसाइटी के सारे मेंबर उसको फाइनल समझेंगे। और भिड़े साहब मैं कहाँ ज्यादा मांग रहा हूँ, सिर्फ 10% तो एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ। देखिए आप सबको मनवा दीजिए, इसमें हम दोनों का फायदा है। नानू भाई, बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी जंजीर, तब से मेरा सपना था कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह एंग्री यंग मैन पुलिस अफसर बनूं। लेकिन अफसोस माधवी मैं बन नहीं पाया। पुलिस अफसर मतलब? मतलब ये कि एक ईमानदार शिक्षक और एक मेरे सेक्रेटरी को रिश्वत देने के जुर्म में आपको पता नहीं मैं आपका क्या हाल कर सकता हूँ, समझे मिस्टर नान खटाई? समझ गया भिड़े साहब, मतलब मैं गलत इंसान के पास आ गया हूँ। गलत आप है, आप सही इंसान के पास आए हैं। हाँ भाभी जी, देखिए मैं तो बस आपका भला चाहता था बस। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको मेरा भला चाहने की, उसके लिए मैं सक्षम हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। क्योंकि भिड़े साहब 10 टका नहीं तो 9 टका। अरे जाइए, बोला ना जाइए, और ये आपकी रिश्वत दे दीजिए। अरे आप जाइए, गेट आउट कर लेंगे। वाह मेरे बच्चन। अरे कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में माधवी। गेला तो कैसे कैसे लोग होते हैं माधवी दुनिया में, जहाँ पे काम नहीं है वहाँ पे काम करने वाले, लेकिन जहाँ पे काम है वहाँ पे काम करने वाले नहीं, और ऊपर से हमारे पास वक्त भी नहीं है, पता नहीं इंटीरियर वाला मिलेगा कि नहीं हमें। अरे मिस कॉल किसका है अभी? पोपटलाल का मिस कॉल, जल्दी कॉल कर।
आ गया भिड़े। हाँ बोलो पोपटलाल। भिड़े बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? मुझे घर वाली मिल गई। मेरा मतलब है घर डिजाइन करने वाली इंटीरियर डिजाइनर मिल गई। क्या बात कर रहे हो? वाह 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 पोपटलाल, तुमने तो मेरा टेंशन दूर कर दिया भाई। अभी उसके साथ सब फाइनल होने वाला है, तुम जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। काय चल रहा है? अरे पोपटलाल का फोन था, बोल रहा है उसको कोई इंटीरियर डिजाइनर मिल गई है। हाँ और बोला कि डील पक्की हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग टी। वैसे आपको देखते ही मुझे लग गया था कि हमारा नक्की हो ही जाएगा। क्या? मेरा मतलब है आपको देखते ही मुझे लगा था कि गोकुलधाम सोसाइटी के सारे घरों के रिनोवेशन की डील आपके साथ पक्की हो ही जाएगी। या आज मेरी तलाश पूरी हुई। व्हाट? मेरा मतलब है हमें आप जैसे इंटीरियर डिजाइनर की तलाश थी वो आज पूरी हुई। ओह। और वैसे भी आपका और सतरंगी जी का बजट सेम टू सेम ही है, तो हमारी जोड़ी जरूर जमेगी। वैसे पोपटलाल जी? सिर्फ पोपटलाल जी, थोड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं मैं आपको पोपटलाल जी ही कहूंगी। ओके योर विश, आपकी खुशी में मेरी खुशी। बाद में तो सुनिए जी को होगी ना। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, बस मैं कह रहा था कि मैं अपनी मर्जी आपके ऊपर कभी नहीं ला दूंगा। वैसे मैं आपको पम्मी कह के बुला सकता हूँ ना? या श्योर। वैसे पोपटलाल जी मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको। हाँ कहिए। कि मैं काम थोड़ा अपने तरीके से करूंगी, मतलब इस घर की डिजाइनिंग मैं अपने हिसाब से ही करूंगी। हाँ हाँ हाँ, आप इसे अपना ही घर समझिए, आपको जैसा डिजाइन करना है वैसा कीजिए। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर। आपकी शादी हो गई? नहीं। क्यों? नहीं, वाह मेरी भी नहीं हुई है। वैसे माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, ब्राइट जोशीला और तुम्हारा। वैसे आप अपने बारे में कुछ और भी बताइए ना। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ इंटीरियर डेकोरेटिंग के काम से आई हूँ, कोई मैरिज ब्यूरो में इंटरव्यू देने के लिए नहीं। आई एम सॉरी बट मैं सोसाइटी का काम नहीं कर सकती। अरे सुनिए सुनिए, मुझे दोबारा फोन मत कीजिएगा। सुनिए पोपटलाल, ये वही महिला थी ना इंटीरियर डिजाइनर? हाँ। तो ऐसे गुस्सा होके क्यों चली गई? तुमने तो बोला था कि डील पक्की हो गई, क्या हुआ बजट पे कोई प्रॉब्लम हो गया? वो उसने रिनोवेशन का काम करने से साफ मना कर दिया। क्यों? वो उससे तुमने शादी की बात की? सत्यानाश पोपटलाल, क्या जरूरत थी तुम्हें उससे शादी की बात करने की? थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकते थे तुम? इतने सालों से सबर ही तो रखा है। मतलब उसकी बातों से साफ नजर आ रहा था कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है रिनोवेशन में। रिनोवेशन में नहीं पोपटलाल, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आता क्या करे सर, ना रिनोवेशन का पता है ना रिनोवेशन करने वाले का पता है। पता नहीं आज सोसाइटी की मीटिंग में क्या होने वाला है। भिड़े, वो मेरे जान पहचान के एक इंटीरियर डेकोरेटर मिस्टर रॉय घर आए थे, मैंने उनसे बात की तो वो तो हर घर का 10 लाख रुपए बजट बता रहे हैं। ओगो भाई, 10 लाख? 10 लाख बहुत ज्यादा है ना? और भिड़े मास्टर, मैंने अपने पहचान वाले इंटीरियर डेकोरेटर से बात की तो वो पहले से बहुत बिजी है, उसने तो सॉरी बोल दिया। और मेरा तो बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड है गुलाटी, और वो तो बोलता है किसी का अधूरा काम छुटा हुआ जो होता है ना उसको मैं पूरा करता ही नहीं, ये मेरा असूल है। मैंने भी बहुत मुश्किल से एक इंटीरियर डिजाइनर को ढूंढकर उससे बात की थी, लेकिन मुझे उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगा तो मैंने खुद ही मना कर दिया। स्वभाव अच्छा नहीं लगा? पर हमको उसके स्वभाव से क्या लेना देना? अभी जेठालाल, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा उसका काम भी अच्छा नहीं होगा ना। कहीं तुमने शादी के एंगल से तो उससे बात नहीं की थी? जेठालाल तुम बराबर बोल रहे हो, मैं जब इसके घर पे पहुंचा ना उस वक्त तो महिला भड़क के जा चुकी थी, इसे जरूर शादी की बात की होगी उससे। लो
पोपटलाल। बातों बातों में पता चला कि वो कुंवारी है तो तुमसे रहा नहीं गया और छेड़ दी शादी की बात। अरे पोपट भाई जेठालाल तुम पोपटलाल को छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारी किसी से बात हुई? अरे पूछा भाई, बहुत लोगों को पूछा लेकिन सब लोग कोई ना कोई काम लेके बैठे। नहीं मतलब हमारा काम लेने को वो लोग तैयार है लेकिन बोल रहे चालू काम खत्म होने के बाद। अभी उनका चालू काम तो खत्म होते होते 3-4 महीने भी निकल जाए, तब तक हम थोड़ी रात देख के बैठ सकते हैं। और मेरा सुंदर वीरा अभी दुबई में है, अगर वो भारत में होता ना तो वो हमारा ये रिनोवेशन का काम चुटकी बजाते कर देता। दुबई? क्या वसई? अरे वसई नहीं, दुबई। दुबई तेल के कुएं का वहां है ना, वहां। तो वो क्या वहाँ तेल खरीदने गया है? शायद। अहमदाबाद में क्या भजिया की दुकान खोलनी है? शायद। अरे वो क्या है, वो वहाँ होलसेल में तेल मिलता है ना, तो यहाँ पर हमें एकदम सस्ते भाव में गिरेगा ना। रेखा जेठालाल दया भाभी को बताओ, दुबई का तेल मतलब पेट्रोल। अरे छोड़ो ना भाई, सुंदर दुबई गया वही बहुत अच्छा हुआ। क्या मतलब सुंदर यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता ऐसा। अब चूंकि सुंदर तो यहाँ है नहीं, इसलिए भिड़े भाई तुमने किसी इंटीरियर डेकोरेटर से बात की है कि नहीं की? हाँ मैंने पूछा। ओ भिड़ो, और तुरुप का इसका हमेशा आखिर में चलता है, एक मेल सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े अंचा विजय सो विजय सो विजय सो। एक इंटीरियर वाला आया था लेकिन इन्होंने गुस्से से उसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे वो जो आया था ना इंटीरियर वाला, उसने हमारे बजट से 10% ज्यादा मांगा, तो मैंने बोला कि भाई हमारा इतना बजट नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। तो वो बोला कि आप तो सोसाइटी का एक मेरा सेक्रेटरी है, अगर आप बोलेंगे तो मेरा बजट पास हो जाएगा, फिर मैं सिर्फ आपको सिर्फ मुझे 20% डिस्काउंट देगा। हाँ ऐसा बोला तो मुझे तो गुस्सा आ गया, मेरे तो निकाल दिया घर से बाहर उसे। वेरी गुड, क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है, कमेंडेबल जॉब। ओ पिड़ो ये तूने क्या कर दिया? क्या इतनी बड़ी गलती कर दी थी? ओए मुझे बताता, मैं उसको ऐसा थप्पड़ मारता कि उसकी जबान से रिश्वत का री भी नहीं निकलता। अच्छा मारा होटल का है? नहीं मैंने उसे बोल दिया, वो भी चला गया, जाने तो भूल जाओ। कैसे कैसे लोग बोलते हैं यार, मजाक बना के रखा है, इसलिए हमारा देश पड़ता है। कोई बात नहीं, बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। हमें तुम पे नाज है भिड़े के तुम हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो। मेहता साहब एकमेव नहीं, सत्यमेव सेक्रेटरी हो। हाँ सत्यमेव, सत्यमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा विजय असो विजय असो विजय असो। थैंक यू वेरी मच। मैंने तो सिर्फ एक सच्चे नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन किया। वाह वाह भिड़े वाह, अगर हमारे देश का हर एक नागरिक तुम्हारी तरह सोचने लगे तो हमारे देश से भ्रष्टाचार का सुपड़ा साफ हो जाए। यस करेक्ट। लेकिन अभी तो हमारे घर के रिनोवेशन का सुपड़ा साफ हो गया है, ऐसे घर में हम लोग कब तक रहेंगे? वो ना क्या करेंगे हम लोग अभी? सारा घर बिखरा पड़ा है, सामान घर में है, इस घर में रहना तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ वो बात तो है, आपकी हालत तो एवी छे ना, घर के रहे ना घाट के। समझ में नहीं आ रहा है घर के रिनोवेशन का काम कब और कैसे पूरा होगा। मुझे तो लगता है रिनोवेशन का काम शुरू करवाना ही सबसे बड़ी गलती थी हमारी। हमारे नहीं आपके। और नहीं तो क्या, वो आइसक्रीम पार्टी में सबसे पहले दोढेश्वर आप ही बने थे ना। अरे हम लोग तो सब खड़े हो गए थे ना कि भाई नहीं नहीं हमको कुछ बात सुननी नहीं, हमको काम करवानी नहीं, आप ही बोले थे नहीं भाई बैठो भाई बैठो हम औरतों की बात सुनते, बोला था कि नहीं ऐसे? हाँ मेहता साहब आपने बोला था ना कि हम पे जालिम पति होने का इल्जाम नहीं लगना चाहिए, ऐसे कुछ बोला था शायद। ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा ही कहा था। उस टाइम हम लोग बैठे नहीं होते तो आज हम यहाँ ऐसे बैठे नहीं होते। अरे पर क्यों छोटी, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? एकदम बराबर कह रहे हो जेठा भाई, एकदम बराबर। रोशन नहीं तक है, एक तो दिवाली सर पे है और हम लोग घर होते हुए बेघर। करेक्ट है आत्माराम,
ये फेस्टिवल के टाइम पे रिनोवेशन करवाना ही नहीं था। सही बात है, हम लोग तो रिनोवेशन का काम शुरू करके फंस गए बिल्कुल। अरे भाई, मैं तो पहले से ही कैंसल कैंसल बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। नहीं, सही बात है, एक्चुअली हमने काम शुरू करने में बहुत घाई की। ये लेडीज लोगों की बातों में मेहता साहब फंस गए, और मेहता साहब की वजह से हम सब फंस गए। नहीं तो क्या, सही बात। ओके, सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई मेरी, गलती हो गई जेठालाल, पर मुझे थोड़ी पता था ये हो जाएगा। एक मिनट तारक, वैसे भी आज नहीं तो कल हम सब घर का रिनोवेशन तो करने ही वाले थे ना। टप्पू के पापा, आप जरा बता सकते हैं कि इसमें फंसने वाली बात कहां पर आई? हाँ, सोच समझ कर ही काम शुरू किया था, वो भी अपने बजट में। काय हो, अठौता है का? और कल तक तो आप सब लोग एक्साइटेड थे ना रेनोवेशन की बात सुनकर। तो पच्चीस सोच रही हूँ। एग्जैक्टली, अब आप सब अचानक यूटर्न क्यों ले रहे हो? आप सब लोग अचानक क्यों रिनोवेशन के खिलाफ क्यों हो रहे हो? अरे क्योंकि घर का हाल देखा है अंजलि कैसा है, वो सीमेंट की बोरियां घर में पड़ी हुई देखी है, सारे घर में सीमेंट इस तरह से उड़ रही है, उड़ के मेरी सांसों में घुस गई है, और सांसों से मेरी सोच में पहुंच के मेरी सोच कंक्रीट जैसी कड़क हो गई है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है मुझे। Oh my God, जैसे सीमेंट सिर्फ आप ही की सांसों में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मेरा भी वही हाल है, रेनोवेशन की वजह से मेरा ध्यान टीवी मोबाइल में कम और रेती सीमेंट में ज्यादा घुस रहा है। और मेरे पेशेंट तो घर की हालत देख के आने ही कम हो गए, और उनको लगता है कि मैंने पेशा चेंज कर दिया है। एक तो भाव पूछने लगा, डॉक्टर साहब सीमेंट की बोरी क्या भाव थी? अरे रिनोवेशन के चक्कर में घर पे ट्यूशन ले नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बच्चों के घर जा जाके ट्यूशन दे रहा हूँ। देखिए, मुझे पता ये सब कुछ सप्तरंगी की वजह से हुआ है, पर यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता था कि वो अचानक से अमेरिका चला जाएगा, और सप्तरंगी की तरफ से मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। जी प्लीज, आप बार बार सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी क्या गलती है? वो पपीता जी, और इसमें सत्तू भाई की भी क्या गलती है? अभी उनकी कुंडली में अचानक उनकी शादी तय होना लिखा था, तो वो भी क्या कर सकते हैं? नहीं पोपटलाल? हाँ बराबर है, लेकिन सप्तरंगी का बिल्कुल दोष नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। अरे पोपटलाल, बार बार तुम सतपंगी भाई का नाम क्यों ले रहे हो? हम सब ने मिलके उनका खुशी खुशी अमेरिका विदा किया है, बराबर ना? तो बात खत्म हो गई, फिर बार बार उनका दोष देने को कोई मतलब ही नहीं है ना। बिना मैं तो कहता हूँ, तो अभी कभी एक नया कायदा बना कि भाई ये मीटिंग में भी जो कोई भी सतपंगी भाई को दोष देगा, उसको सोसाइटी के वेलफेयर फंड में 500 रुपया का दंड भरना पड़ेगा। बस 500 रुपए का? तो भाई भिड़े, तू कुछ बोल जेठालाल को, ऐसे थोड़ी होता है। शांत हो जाओ जेठालाल, हम लोग यहाँ पे कितना फाइन होना चाहिए वो बहस करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए भाई। आप बैठो 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 बैठो। देखिए अभी हमारा मुद्दा, एक मिनट जेठालाल, मुद्दा ये नहीं कि कितना फाइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये है कि रिनोवेशन का क्या करें, उसके बारे में सोचते हैं। हाँ। सही बात है। अरे पर क्या सोचे भिड़े, कुछ सूझ ही नहीं रहा है भाई, कुछ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। मालूम ही नहीं पड़ रहा ना कुछ, सीमेंट मेरे बोरियां पड़ी हुई है। बोल। मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब जीवन में कोई रास्ता ना मिल रहा हो, कुछ सोचता ना हो, तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमें जरूर कोई उपाय या रास्ता बताते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
जेठिया क्या हुआ? वो बापूजी रिनोवेशन का काम अटक गया है तो सब लोग हताश हो गए हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई रास्ता सुझाए। हाँ चाचा जी, हम सबने अपने स्तर पे बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर से बात की, लेकिन किसी न किसी वजह से सबने इनकार कर दिया। चाचा जी, ये रेनोवेशन है तो जबरदस्त टेंशन पे डाल दिया। अरे तो इसमें ना टेंशन क्यों ले रहे हो? टप्पू सेना है ना, सबके घर के इंटीरियर का काम टप्पू सेना करेगी। क्यों बोली? अब तूने बोल दिया है तब देख लेंगे। टप्पू गोली क्या बोल रहे हो भाई? गोकुलधाम सोसाइटी में किसी त्योहार का आयोजन नहीं करना है। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो, टप्पू सेना सब कर लेगी। हाँ टप्पू बेटा, ये तुम्हारे कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो तुम आसानी से कर दोगे, ये रिनोवेशन है रिनोवेशन। अरे भाई टप्पू, आप लोग कॉलेज में आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर काम करने में आपने महारत हासिल कर ली है। कुछ सोच समझ के तो बात करो ना। सही बात है बेटा। और दिखरा, ये रेनोवेशन करना बच्चों का खेल नहीं है। हाँ बाड़ानो, ये बड़ों का काम है। हाँ टप्पू सेना, अरे आप लोगों ने हमें सिखाया है कि जिंदगी में कभी भी मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए। काम भले ही कितना भी कठिन हो लेकिन मायूस या हताश नहीं होना चाहिए। आप लोग हमेशा हमारे प्रेरणा रहे हो और आज आप लोग ही हिम्मत हार रहे हो। टप्पू सेना सही कह रही है, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। और वैसे भी सप्तरंगी ने तुम सबको घर का प्लान बनाकर तो दिया है, रेती सीमेंट टाइल्स ये सब भी आ गया है और थोड़ा बहुत तो काम भी हो गया है। तुम लोग हिम्मत मत हारो, तुम सब लोग मिलकर रिनोवेशन का काम अपने बलबूते पे पूरा कर सकते हो। पप्पू जी आपकी बात बराबर है कि प्लान तैयार है, सब सामग्री भी है, लेकिन कारीगर नहीं है ना। हाँ? अरे भाई सप्तरंगी के जो कारीगर थे उनको बुलाकर काम शुरू करवा दो। नहीं नहीं चाचा जी, वो सब रोजनदारी पे थे, डेली वेजेस पे थे, वो अभी अपने अपने काम करने कहीं और चले गए होंगे। तो कोई बात नहीं, नए कारीगर लेकर आओ। चाचा जी, वो घर पे मजदूरों से काम करवाना ये तो बहुत माथा पच्ची का काम है। चाचा जी, वो घर पे मजदूरों से काम करवाना ये तो बहुत माथा पच्ची का काम है। हाँ ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। भिड़े, तू एक शिक्षक है ना, तुझे अगर किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो तू उसे किताब में ढूंढता है कि नहीं? और ये तू साइंटिस्ट है, तेरा अगर एक प्रयोग असफल होता है तो तू दूसरा प्रयोग नहीं करता? हतीड़ा तू बता, किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है तो तू क्या उसे मरने के लिए छोड़ देता है? उसकी आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? मैं तो तुझे अगर कोई लेख नहीं सूझता तो तू क्या लिखना छोड़कर संन्यास ले लेता है, फिर से लिखने की कोशिश करता है ना? छोड़ी तू बता, अगर कोई गाड़ी खराब हो गई है और तुझसे रिपेयर नहीं हो रही है तो तू क्या उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देता है, उसे रिपेयर करने की कोशिश तो करता है ना? और जेठिया, तुझे अगर धंधे में खोट होती है तो तू क्या दुकान बंद करके घर पे बैठ जाता है? और डिब्बे, तेरी शादी नहीं हो रही है तो तूने क्या फैसला कर लिया है कि तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा? नहीं नहीं चाचा जी, मैं शादी करके रहूंगा, मेरी कोशिश चालू है और मैं हार नहीं मानूंगा। शाबाश। अरे क्या तुम सब लोग मिलकर इस रिनोवेशन के अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? कर सकते हैं चाचा जी, जरूर कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी आंखें खोल दी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की पार नहीं होती। बराबर है, हम सब लेडी घर चला सकती है तो खुद के लिए घर को बना भी सकती है। ऑफ कोर्स। हां है भाभी, और मेहनत करके सुंदरता से सजा भी सकती है। हां बिल्कुल, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर हम कारीगरों का इंतजाम कर ले तो हम तुरंत अपने रिनोवेशन का काम शुरू करा सकते हैं और दिवाली पे तो हम अपने नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आइडिया है जी, और रेनोवेशन पूरा करने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो हम सब मिलके करेंगे। यस, और थैंक यू वेरी मच, आपने आइडिया दिया। अरे भाई थैंक यू, अरे भाई थैंक यू, मुझे मत कहो, टप्पू सेना को कहो, इन्होंने हिम्मत दिखाई है तभी तो हम में हिम्मत आई है। थैंक यू टप्पू सेना। बापू जी। हाँ टप्पू सेना, थैंक यू वेलकम।
ठीक है, तो ऐसा करते हैं भाई, जो हमारे रिनोवेशन की एक कमेटी बनी थी जिसमें जेठालाल, भिड़े और बबीता जी हैं, इस कमेटी के सुपरविजन में हम रिनोवेशन का काम करवाते हैं। किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ तो ठीक है, तैयार। जेठालाल, कल सुबह ठीक 8 बजे हम लोग नाके पे जाके कारीगर को लेके आएंगे, तो तुम तैयार है ना? लेट मत हो जाना। अरे तू चिंता मत कर, तुझसे पहले मैं नीचे तैयार होके खड़ा रहूंगा। जेठालाल पक्का टाइम से कल आ जाना, क्योंकि कारीगर एक बार चले जाएंगे ना सुबह, तो फिर कल का दिन पूरा बेकार हो जाएगा। अरे भाई कुछ बेकार नहीं होगा, तुम हमेशा नकारात्मक बात क्यों करते हो भाई? ओ पप्पू, तू हमेशा उल्टी बात ही क्यों करता भाई? अरे भाई कारीगर निकल नहीं जाए, इसलिए जल्दी आने के लिए कह रहा हूँ। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हें रेनोवेशन की जितनी चिंता है ना, उससे डबल चिंता हम सबको है। तुम्हारा क्या, तुम तो घर में अकेले हो। हर घर में यहाँ दो दो तीन तीन चार चार लोग रहते हैं। अगर टाइम पे रेनोवेशन नहीं हुआ ना, तो तुमसे ज्यादा तकलीफ हम सबको है। अरे भाई सॉरी सॉरी जेठालाल, लेकिन टाइम पे आ जाना। अरे ये आ जाएगा, आ जाए, टाइम पे आ जाएगा। चाचा जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने हम सबका हौसला बढ़ाया। अब देखना कल से काम शुरू हो जाएगा। फतेह करो, फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। बबीता जी ये चैलेंज है। अरे ऐसा कुछ नहीं है जेठा जी, पर हाँ हम सबको मिलकर इस चैलेंज को पूरा करना है ना? हम इस रिनोवेशन को दिवाली के पहले पूरा करके ही रहेंगे। बोले श्री अम्बे माता की जय। हे माता जी की कृपा से, माता जी की कृपा से रिनोवेशन शुरू होगा। कल से माता जी की कृपा से, माता जी की कृपा से गृह प्रवेश होगा। दिवाली से पहले माता जी की कृपा से, माता जी की कृपा से रिनोवेशन शुरू होगा। कल से सबके घर का रिपेयरिंग और सबके घर का रिनोवेशन, मुझे तो लगता है दया काम होगा ही नहीं। सबके घर का रिनोवेशन होगा ही नहीं। अरे होगा जरूर होगा। टबू के पापा कल कारीगर आएंगे और काम शुरू कर ही देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप बस मस्त होकर सो जाइए। अरे क्या मस्त होकर सो जाइए, होगा जरूर होगा। ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाएगा काम। हम सब ने जोश में आके बापूजी की बात मान तो ली कि हाँ हम कारीगर लेके आएंगे, लेकिन मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे टप्पू के पापा देखिए, हमारे पास रेती, सीमेंट, टाइल और घर की पूरी डिजाइन तैयार है। अब हमें सिर्फ बाहर से कारीगर भाइयों को लाना है और काम शुरू कर देना है बस। हाँ पर ये दाल ढोकली बनाने जितना आसान काम नहीं है दया। एक तो कारीगर मिलना बहुत मुश्किल है, और मान ले अगर मिल भी गए तो उनको संभालना, उनसे काम निकलवाना, उसके लिए हमारे अंदर एक अलग प्रकार की कारीगरी होनी जरूरी है। आप भी कोई कम कारीगर थोड़ी ना है मेरे अजगर। अजगर? मेरे बाजीगर। देखिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी दुकान को इतनी साल से चलाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आपको देखकर कोई कह सकता है कि आप सिर्फ चार चपड़ी पड़े हैं? मेरा मतलब है कि आप में इतनी बुद्धि है बुद्धिमान, कि आप पढ़े लिखे लोगों को भी टक्कर मार सकते हैं। तो अब ये आपकी कारीगरी नहीं है तो और क्या है? अरे टप्पू के पापा, किसी अंजाम को अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किल, तो उस अंजाम को नींद के खूबसूरत मोड़ के अंजाम पर छोड़कर सो जाना ही अच्छा। अरे एक मिनट ओ, तू ये अंजाम की छुक छुक घड़ी चालू करके क्या सो गई, क्या बोल के? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक मिनट समझा। अरे आप सो जाइए, क्योंकि अंजाम भी सो गया है और मैं भी सो गई। तू सो गई है? बाहर से आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं खस खसाट सो गई हूँ।
चलिए चलिए आप भी सो जाइए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर कारीगर भाइयों को बुलाकर आपको एक नई कारीगरी को अंजाम देना है। जय अंजाम, जय भवानी, 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 जय अंजाम। अजून नाही आला, आज पण लेट। ओ जेठालाल, अरे कहाँ रह गए भाई, आज भी लेट? अरे कल तो बोल रहे थे कि तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, क्या हुआ उसका? ओ जेठालाल, जरा जोरात बोलवा। जेठालाल तुम आ गए? तुमसे पहले, और आके तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अरे वाह वाह, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। तुम भी आजकल अपना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे, लेट पे लेट। मैं कब लेट हुआ? क्यों, गणपति में मूर्ति लेने जाना था तभी नहीं लेट हुए थे? अरे देवा, अरे काए, वो गणपति विसर ले, तुम्ही पण विसरा आता, कितनी बार याद दिलाओगे मुझे? अभी जाते ना लेबर नाके पे, लेट हो जाएगा भाई, लेबर चले जाएंगे वहाँ से। चलो चुप। ओ भाई एक मिनट, क्या? चलो चलो भाई, अभी तक बबीता जी कहाँ है? वो भी कमेटी में है ना, उनको आने दो। हाँ तो जाते थे, उनको बुलाते, चलो। हाँ बराबर, ऐसा बोलो तो सीधा चलो चलो। नहीं नहीं वही। गुड मॉर्निंग आदमराम, गुड मॉर्निंग जय डालन, गुड मॉर्निंग, चलो चलते। एक मिनट, किधर, क्या, कहाँ चलते? लेबर नाके पे, लेबर लेने के लिए जाना है ना। लेकिन आप कहाँ कमेटी में? जेठालाल मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ। वो कमेटी अलग, ये कल जो नई कमेटी बनी जिसमें मैं, भिड़े और बबीता जी है ना, उसमें आप नहीं है ना? हाँ हाँ, वो क्या है, बबीता दूसरे काम में बिजी है, इसलिए उसकी जगह पे मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा चलता है? ये क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो आप कमेटी में नहीं है फिर भी आप आ रहे हैं ना, तो मैं खाली भिड़े को पूछ रहा हूँ कि ऐसा चलता है क्या? हाँ हाँ चलता है ना। अरे क्या चलता है, अभी वो सतरंगी नहीं आया था तो आप लोग कमेटी में थे, फिर भी आप लोगों ने मुझे बुलाया ना, मैं सो रहा था फिर भी जगा के बुलाया, क्यों? क्योंकि मैं कमेटी में हूँ और मैं भी आया था ना, है? मैंने थोड़ी अपनी जगह पे दया को भेज दिया था। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे बबीता जी, हाय, गुड मॉर्निंग बबीता जी, चलिए। अय्यर ने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं नहीं आ रही हूँ? अरे बोला मैंने बबीता कि मैं तुम्हारी जगह पर आ रहा हूँ, लेकिन जेठालाल बोला जो कमेटी में नहीं है वो नहीं आ सकता है, जो है वो आ सकता है। जेठा जी, एक्चुअली सप्तरंगी ने हम सबके घर के जो प्लान्स बनाए थे, मैं उसे चेक करके ये देखना चाह रही थी कि हम सबके घर में क्या क्या काम बाकी है, इसलिए मैंने अय्यर को कहा कि मेरी जगह तुम चले जाओ। हाँ कोई 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 बात नहीं, वैसे भी आप कमेटी का ही काम कर रहे हैं ना। तो भिड़े, मैं क्या कह रहा था, ये तीनों को जाने की जरूरत है? हाँ मतलब जरूरी नहीं है सर, ठीक है काम करते हैं। अय्यर तुम यहाँ पे रुको, मैं और जेठालाल जाके आते। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि तू और अय्यर भाई जाके आओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं, 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 जब ऐसा ही है तो मैं क्या बोलता हूँ कि आत्माराम तुम यही रुको, मैं और जेठालाल जाकर आते। अरे काय चल रहे तुम, तुम रुको मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ तुम रुको, यहाँ पे खड़े खड़े टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, वहाँ पे लेबर लोग चले जाएंगे नाके से। चलो चलते तीनों मिलकर साथ में। चलिए बबीता जी। वो मैं तो नहीं, नहीं मेरा मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जाके आते हैं। हाँ, हाँ, चलो चल। टप्पू के पापा। हाँ बोल। अरे बोलना भाई क्या है? वो आज अपने दांत साफ किए थे। अरे आज क्या होता है, रोज मैं दांत साफ करता हूँ। तो किससे किए थे? दांत साफ किससे करते हैं? दया ब्रश से। बाबा किसी, क्यों क्या हुआ? वो मैं आपको बताना भूल गई। क्या वो क्या है कि आप जो ब्रश का उपयोग करते हैं ना, उसके थोड़े छूछने उड़ गए थे, तो कल रात को मैंने वो ब्रश से पूरा वॉश बेसिन साफ किया और फिर गलती से यथास्थान पर वही ब्रश वहाँ रख दिया था। ओह माय गॉड, मतलब तुमने उस ब्रश से? अरे नहीं भाई नहीं,
दया मैं पिछले 3-4 दिन से नया ब्रश से ब्रश कर रहा हूँ भाई। नया ब्रश? हाँ वो लाल वाला है ना, उससे। वो क्या है, मुझे अचानक याद आया ना, तो मुझे जरा टेंशन हो गया था इसलिए पूछा आपको। बस जल्दी याद आया तुझे। खैर अभी तू टेंशन लेना और देना बंद कर और हमको जाने दे। तो जाइए ना, मैंने कहा आपको रोक कर रखा है। चलिए बबीता जी, हम लोग जाके आते हैं। हम सब लेडीज एक बार मिलके ना सबके घर का प्लान एक बार चेक कर लेते हैं, ओके? अरे सोड़ी, अरे वाह सोड़ी, अरे अच्छा हो तुम आ गए, हमें जरा नाके तक छोड़ोगे प्लीज? और नेके यार पूछ पूछ, और यारो इसी के लिए तो मैं आया हूँ, मैंने पता था और सवेरे सवेरे नाके पे जाके मजदूरों को लेने जाना है, इसलिए मैंने गैराज पे जाके अपने सब बंदों को सारा काम समझा दिया। चलो चलो जल्दी गड्डी में बैठो, मजदूरों को नाके से लेके आते हैं। तो यारों का यार है दोस्त। सोड़ी जरा जल्दी भगा गाड़ी भाई, अगर लेट हो गए ना तो मजदूर लोग चले जाएंगे काम पे। हाँ पिडो, इसके लिए जल्दी आने का, लेट नहीं करने का। मेरे से तो आइए रुआ जेठालाल। मैं किधर लेट हुआ, जब तुम लोग निकल रहे थे तब मैं आ गया था। हाँ तो फिर आपकी राह देख देख कर निकले, कितनी राह देखेंगे आपकी? तो मेरा वेट क्यों कर रहे थे? और मैं तो आने वाला भी नहीं था, बबीता आने वाली थी। तो फिर आप क्यों आए? बबीता जी आते तो एकदम टाइम पे आते। ये बहस छोड़ो ना भाई, पर तुम क्यों रुके भाई, चलो ना तुम। जैसे ये शिक्षक कभी डिसिप्लिन नहीं तोड़ता, ऐसी थोड़ी ये सिग्नल कभी नहीं तोड़ेगा। लंबा सिग्नल है ये। सिग्नल बराबर है भाई, जब हमको लेट हो रहा होता है ना तो सिग्नल लंबा लगता है, इसलिए हमेशा टाइम पे आने का। ओए कर क्या रहा है अंधा है क्या, तेरे को रेड लाइट दिखती नहीं क्या? ए अंधा किसको बोलता है? अरे तुमको बोल रहा है भाई, एक तो बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हो, सिग्नल भी नहीं देखते हो, एक्सीडेंट हो जाता था अभी। लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो नहीं ना? अरे ऊपर से उल्टा जवाब दे रहे, देखो। ओए एक तो गलती करता है, ऊपर से उल्टे जवाब देता है। मेरी गड्डी को अगर एक भी खरोच लग जाती ना तो मैं तेरे को छाटता नहीं। अरे तेरी गाड़ी को खरोच आई तो नहीं ना, तो फिर इतनी गर्मी क्यों दिखा रहा है? ओए तूने मेरी गर्मी अभी देखी कहाँ है, अभी दिखाता हूँ तेरे को अपनी गर्मी। सॉरी गर्मी नहीं, नरमी नरमी। सॉरी सॉरी सॉरी, देख हमको लेट हो रहा है, जाने दे। ओ ऐसे कैसे जाने दे, ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, इन लोगों के तो लाइसेंस जब्त हो जाने चाहिए। काय झालं काय? अरे वाह, 100 वर्ष आयुष्य है तुम्हाला। अरे हवलदार साहब, ये बाइक वाला रेड लाइट तोड़ के हमारी गड्डी के सामने आ गया, एक तो हेलमेट नहीं पहनता है, ऊपर से होशियारी दिखाता है, लगाओ इसको एक बड़ा फाइन। वो सब मैं देख लूंगा, पहले आप अपनी गाड़ी निकालिए। हां बाइक वाले भाई जरा बाजू में आ जाइए। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर जो लेबर लोग नहीं मिले तो हमको हमारे नानी याद आ जाएगी। चलो अभी चलो यहां, चलो 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 चल भाई, अभी घूर के देखते रहे, चल बाजू। आप निकलो। हां जी हां, भाई साहब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, यहाँ पे पाउडर कर लिया ना, वहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। ये है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, वहाँ के सदस्य है, और ये भी वहाँ के सदस्य है रोशन सिंह हरजीत सिंह सोड़ी, और ये है। अरे चलने भाई, तो सबके पहचान कराने कहाँ बैठ गया भाई, सीधे काम की बात करना। हाँ। काम की बात ये है कि दरअसल हम हमारी सोसाइटी में ना इंटीरियर का काम करवा रहे हैं, जिसके लिए हमें मजदूर लोग चाहिए, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए। कितने लोग चाहिए आपको? कम से कम 25-30 लोग चाहिए। 25-30 लोग, बहुत बड़ा काम है क्या? हमारी सोसाइटी के सब फ्लैट में सब काम करना है,
फ्लोरिंग, टाइलिंग, सीलिंग, कारपेंटरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ हाँ, वैसे थोड़ा काम हो चुका है। अरे थोड़ा काम हो चुका है मतलब किसी ने आपके घर का काम आधा छोड़ दिया? हाँ लगता है इन लोगों ने कुछ पैसे का लफड़ा किया होगा, वरना इतना बड़ा काम कोई छोड़ता है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, पैसों का कोई लफड़ा नहीं है। क्या हुआ, जो भाई साहब ये सब काम देख रहे थे ना, उनकी अचानक शादी तय हो गई, वो भी अमेरिका में। वो तो बेचारे ये अधूरा काम छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने उनको खुशी खुशी विदा किया और बोला कि आप निश्चिंत होकर जाइए, हम लोग यहाँ हमारे बलबूते पे सब काम पूरा कर लेंगे। आप पैसे का कोई टेंशन मत लो, आपका जो भी बिल रहेगा वो हम लोग दे देंगे। आपकी जो भी रोजी रोज के रोज मिल जाएगी आप। यस। यारो, ये लोग अधूरा काम सुनकर कि गुलाटी कितना गुलाटी तो नहीं मान लेंगे। अरे मेरे को तो लगता है ये लोग ना बोल देंगे। अरे यार भाई, सुप सुप बोलो भाई, बबीता जी आने चाहिए थे हमारे साथ। देखिए इतना बड़ा काम है तो हमें हमारे मुकदम से पूछना पड़ेगा। हमारे मुकदम से पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकते। हाँ कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए मुकदम से। कहाँ है, हम बात करते हैं उनसे। कहाँ है वो? हाँ बुलाओ, किधर है बुलाओ। वो आ गए हमारे मुकदम बाबू भाई। वो आ गए हमारे मुकदम बाबू भाई। जाला अपन दिला दम तोस निकाला मुका दम। सॉरी सॉरी छोटी, तू जरा शांत रहना। हाँ प्लीज भाई। अच्छा तो तुम लोग यहाँ तक आ गए दीवार तोड़ के? और ना जी ना, हमने क्या दीवार तोड़ी, तोड़ा तो आपने सिग्नल। किन्ना 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 बढ़िया सिग्नल तोड़ा जी, मेरी गड्डी को एक भी खरोच नहीं आई। तपस्या लगती है ऐसा करने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या टैलेंट है। तपस्या सॉलिड सॉलिड। फिर भी फाइन दिलवा दिया ना, अब क्या बाकी है, अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? दादा ये लोग अपने घर में काम करवाने के लिए आए। हाँ। कोई इनके घर पे काम करने नहीं जाएगा। क्यों दादा क्यों? अरे क्यों क्या क्यों, बरसों से सिग्नल तोड़ता आया हूँ, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। आज इन लोगों की वजह से जिंदगी में पहली बार मेरे नाम की पावती फटी है दीवार तोड़ के। कोई काम पे नहीं जाएगा इनके यहाँ। साला आता, अब मजदूर किधर से लाएंगे? जेठालाल ये दीवार के बच्चन को तुम ही समझाओ। देखिए बाबू भाई, जो हो गया उसे भूल जाइए, काम करने के लिए मना मत कीजिए। देखिए चाहिए तो हम माफी मांगने के लिए तैयार है। और जेड़ा ब्रा, हम क्यों माफी मांगे, गलती इसने की थी, सिग्नल इसने तोड़ा। सोड़ी सोड़ी, जेठा को बात करने दे भाई, तुम मेरी शांति रख। देखिए बाबू भाई, आप बात को गलत मत समझिए, उधर सिग्नल पे सोटी भाई ने गुस्सा होकर जो भी आपको बोला वो आपकी भलाई के लिए बोला। क्या है, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो आपको ही लग जाता ना, आपकी हड्डी वड्डी टूट जाती, और हड्डी टूट जाती तो आपका प्लास्टर लगता, तो फिर आप किसी के घर में प्लास्टर करने के लायक नहीं रहते। क्या नुकसान आपका होता, हमको क्या? अगर हमारी गाड़ी को अगर कुछ लगी भी जाता तो छोटी भाई का तो खुद का गैराज है, वो फ्री में अपनी गाड़ी का काम करा लेते। और अगर हमको भी किसी को शायद अगर थोड़ा बहुत लग जाता तो भी हमको कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉक्टर हाथ ही रहते, वो हम सबका इलाज फ्री में कर देते। हाँ। तो कुल मिलाकर जो भी खर्चा होता आपको होता। हाँ। आपको तकलीफ होती इसलिए वो आपको बोल रहे थे। फिर भी चलो, मेरा बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि छोरू का छोरू था, माउतर का माउतर ना था। क्या मतलब? मतलब सॉरी, सबकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं, हम भी सॉरी बोलते हैं ना। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। देखिए जो हुआ उसे भूल जाइए बाबू भाई,
मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना पाउडर गली में, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। ये वहाँ के सदस्य है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये भी वहाँ के सदस्य है रोशन सिंह हरजीत सिंह सोड़ी। हाँ। और ये, अरे भाई छोड़ने तू, वापस कहाँ सबकी पहचान कराने बैठ गया, मैंने काम की बात करने भाई। हाँ वही वही भाई, काम की बात ये है कि हम लोग को ना हमारे सबके घर में ना इंटीरियर का काम करवाना है, जिसके लिए मजदूर चाहिए, तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं। और आपको जो भी फाइन देना पड़ा ना, वो भी हम देने को तैयार है। देखिए बाबू भाई, ज्यादा सोचिए मत, काम तो काम होता है, है? काम है तो जहाँ है, वरना हम कहाँ है। वाह दादा, वाह वाह, तो काम भगवान है, अगर हम काम को मना करते हैं मतलब हम भगवान को मना करते हैं, कि नहीं? वर्क इज वर्शिप ना। सॉरी, गलती मेरी है, मुझे ही सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर आपने सही समय पर ब्रेक नहीं मारी होती तो मैं इस वक्त अस्पताल में होता। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब इसी बहाने हमारी पहचान हो गई है। हाँ बिल्कुल, और अभी साथ में काम भी करेंगे, करेंगे ना? हाँ हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं। अरे वाह बाबूराव यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। तो अभी आप आ रहे ना सोसाइटी में? हाँ हाँ चलते हैं। तुम लोग ऑटो पकड़ के पाउडर गली के गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचो, मैं इन लोगों के साथ जाता हूँ। आइए 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 आइए। हम सब लेडीज ने मिलकर हम सबके घर में जो जो काम करना बाकी है उसका एक रिपोर्ट बनाया है, आप लोग उसे एक बार चेक कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं बबीता जी, चेक करने की क्या जरूरत है, अगर आप लोगों ने बनाया तो सब सोच समझ के बनाया होगा ना, इट मस्ट बी गुड। लेकिन जब तक मजदूर नहीं आएंगे काम शुरू नहीं हो सकता ना, और तब तक हमें घर में रेत और सीमेंट के साथ रहना पड़ेगा। भाई एक साथ इतने सारे मजदूरों का मिलना मुश्किल है। माता जी करे हमें जल्दी से मजदूर भाई मिल जाए। लगता है आज भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी इस रेनोवेशन के चक्कर में, मुझे तो लगता है नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन इनको गए काफी देर हो गई, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। अरे भाई मैंने सोड़ी को 4 मिस कॉल दिए लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया। मिस कॉल? अरे करना भी था तो किसी, सोड़ी तो जीप चला रहा होगा भी, वो कैसे कॉल अटेंड करेगा, किसी और को कॉल करना चाहिए ना। अरे क्या हुआ भाई, मिले कि नहीं कारीगर? हाँ मिल गए मजदूर, मिल गए बापू जी, आपका आइडिया काम कर गया। जेठाल कोई मजदूर नजर तो नहीं आ रहे हैं? अरे मतलब मेहता साहब वो आ रहे हैं, रिक्शा में आ रहे हैं पीछे से। हाँ अच्छा 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 अच्छा, पीछे से आ रहे। अरे वाह वाह वाह, काफी सारे लोग हैं। और ये है उनके मुकादम बाबू भाई। अरे वाह नमस्कार साहब, नमस्कार। देखिए तुमने इनको सब काम बता दिया है ना? हाँ बाबू जी, रास्ते में आते आते इनको रिनोवेशन की पूरी स्टोरी बता दी। हाँ और ये भी समझा दिया है कि जो भी हमने डिजाइन बनाया है उसी के हिसाब से काम करना है। हाँ बस बस, और ये नो टेंशन ओनली रिलैक्सेशन। बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन नहीं भाई, हमारे वर्कर्स भी मिल गए, इन्हें काम भी समझा दिया गया है, यानी कि हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। देखिए हम सभी के घर का मुआयना करेंगे पहले, दीवार तोड़ के। अरे पर दीवार तो हमने पहले से ही तोड़ दी है। हाँ, मतलब आधा काम शुरू हो चुका है बाबू भाई। नहीं गिल्ली नया दो, अभी नए सिरे से काम करे तो दीवार भी फिर से तोड़ोगे? नहीं नहीं, क्या है दीवार तोड़ के इनका तकिया कलाम है। भाई बहुत अलग तकिया कलाम है। मतलब वो कुछ लोगों को नहीं आदत होती है एक ही बात बार बार बोलने की, जैसे भिड़े नहीं बार बार बोलते रहता है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी, मैं आत्माराम तुकाराम। मैं ये बार बार नहीं बोलता, ये मेरा तकिया कलाम नहीं है, वो तो मैं सबको ऐसे बुलाने के लिए बोलता हूँ, ये तो हर लाइन में दीवार तोड़ के बोलते है ना।
मैं हर लाइन में क्या बोलता हूँ कि मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े ये काम करते हैं, मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े ये काम करता हूँ। दो बार तो अभी बोल लिया तूने। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पोपटलाल का तकिया कलाम है ना, दुनिया हिला दूंगा। पिताजी ये बाबू भाई ऐसा बोले तो मैं तो डरी गई। मैं भी। मैं बाबू भाई आप सबसे पहले मेरे घर चलो और काम शुरू करो, और मुझे आज जल्दी जाना है। नहीं नहीं, नहीं पहले हमारे घर। अरे नहीं नहीं भाई पोपटलाल, क्या बात कर रहे हो तुम, सबसे पहले हमारे घर से काम शुरू होना चाहिए। सही बात है, पहले ग्राउंड फ्लोर हो गया क्योंकि वहाँ सीमेंट और रेत पड़ी, हाल बेहाल हो गया भाई। मैं तो वो सीमेंट को याद करता हूँ, मुझे छींक आने लगती है। सबसे पहले हमारे घर में करिए प्लीज। सही बात है, हमारे घर में बहुत सामान है। अरे वो बराबर है आती भाई, लेकिन रिनोवेशन का काम मेरे बाथरूम की वजह से शुरू हुआ था, तो भाई ये शुरुआत भी मेरे घर से होनी चाहिए। पोपटलाल समझा करो भाई, सीमेंट की बोरियां पड़ी हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। ए पोपट, अभी तो कारीगर आए नहीं है और तूने तेरा मेरा शुरू कर दिया। पहले उन लोगों को काम देख लेने दे, समझ लेने दे, फिर वो लोग ही तय करेंगे कि काम कहाँ से शुरू करना है। क्यों बराबर है ना भाई? अच्छा बाबू भाई, हम सबके घर में जो जो काम करवाना है ना, उसके डिजाइन इसमें है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ओहो, ये टैब की वजह से कितना फायदा हो गया। नहीं, सारे डिजाइन एक टैब में आ गए, अलग अलग पेपर लाने की जरूरत ही नहीं है। ये टैबलेट जी है ना, अभी जो बबीता जी ने ऐसे टैबलेट, अरे खाने, अरे टैबलेट मंजे ऐसा चौकोनी जो है ना, तो ये ऐसे रेक्टेंगल टैबलेट जो काला होता है ना, जिसमें हम लोग डिजाइन करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई दुकान में मैं बेचता हूँ, मेरे को क्या समझा रहा है। हाँ, सबके घर का रिनोवेशन तो करना ही है दया भाभी, लेकिन साथ साथ क्लब हाउस का भी करना है। ये क्लब हाउस है यहाँ पे। अरे भाई क्लब हाउस बाद में, पहले हम सबके घर का मुआयना करेंगे, कितना काम बाकी है, कितना हो चुका है, सबका मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि दिवाली के पहले काम हो सकता है या नहीं दीवार तोड़ के। ठीक है आप मुआयना कर लीजिए, उसके बाद बताइए, कोई बात नहीं। लेकिन भिड़े सबसे पहले बाहर एक शेड बनवाओ, शेड बनवा के हमारे घर में जो सीमेंट और रेत पड़ी है उसे निकलवा के शिफ्ट करवाओ भाई, बहुत हाल खराब हो गया, उसके बाद बाकी सब काम शुरू करो। सही बात है, हमारे घर में बहुत सामान पड़ा है, जल्दी शेड बनवाइए। अब्दुल मैं काम करना, ये बाबू भाई के आदमियों की मदद से ये यहाँ पे जो रैबिट पड़ा है ना, वहाँ पे एक शेड बना देना और वहाँ पे इनका सामान शिफ्ट करवा देना। बाबू भाई आप मुझे कुछ आदमी दे दीजिए, मैं शेड बनवा लेता हूँ। हाँ ठीक है, सुनो तुम लोग 5-6 जन अब्दुल भाई जहाँ बोले वहाँ पे जाके शेड लगाओ और सबका सामान शिफ्ट करो, और तुम दोनों मेरे साथ आओ, वो अपना मेजरमेंट का सामान लेके आइए। वो सामान मंगा देना वहाँ से, बाहर से सामान ले लेना। इस तरह से हो जाए, हो जाए। दिवाली से पहले सारा रिनोवेशन हो जाए तो अच्छा है। चलो अच्छा है, काम की शुरुआत तो हो गई। बाबू भाई पहले हम लोग मेहता सबके घर से शुरू करते, उसके बाद बारी बारी हम लोग सबके घर में जाएंगे। ओके हाँ ठीक है। ये है हमारा हॉल, पूरा शेल्फ, ये ड्राइंग रूम, किचन सब रिनोवेट करना है, और बेडरूम बहुत बढ़िया से रिनोवेट करना है। बढ़िया है, हम लोग मेजरमेंट लेके रिपोर्ट तैयार कर दे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये सीमेंट की गोनियां बाहर निकालो। जी साहब जी। और पूरे घर का मेजरमेंट ले लो। बाबू भाई क्लिनिक मेरा इस तरफ होगा, और बेड थोड़ा बड़ा बनाइएगा पेशेंट के लिए, ताकि हर साइज के पेशेंट एडजस्ट हो सके। हाँ ठीक। और हाँ, मुझे किचन कैबिनेट वो फेदर टच वाले चाहिए, एंड प्लेटफॉर्म शुड बी ब्रॉड एंड स्पेशियस। ठीक हो जाएगा। सही बात है, किचन तो हमारा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि किचन बेस्ट होगा तो कोमल का मूड अच्छा रहेगा, और कोमल का मूड अच्छा रहेगा तो हमें तरह तरह की डिशेस खाने को मिलेगी। जैसे बाबू भाई कोमल का मूड हमेशा अच्छा ही रहता है। अच्छा बाबू भाई इनके घर का वायरिंग भी आप एक बार चेक कर लीजिए, पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अरे हाँ, थैंक यू बबीता, वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे घर की वायरिंग चेक कर लेना प्लीज। हाँ हाँ वो तो हो जाएगा। मैडम इनके घर का डिजाइन दिखाई। अरे हो जाएगा, इनके घर का मेजरमेंट ले लो और बाद में ये गोनिया बाहर रखवा देना, दीवार तोड़ के। अरे चलो चलो फटाफट मेजरमेंट।
मेजरमेंट उधर का हो गया सर। ठीक हो गया मैडम। ओके ग्रेट, तो हम लोग भिड़े भाई के घर पे चलते। ओके हमारे घर को एकदम पंजाब के पिंड यानी खेतों जैसा खुला खुला बना देना। आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे सॉरी भाई, ये आपकी दीवार में होल कैसे हो गया? हाँ। वो पुराने वर्कर्स थे ना, उनको मैं थोड़ा मदद कर रहा था तो मेरे हाथ से थोड़ा जरा जोरों की चल गया थी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। और थैंक यू और मुकादम भाई, आपको कोई भी मदद की जरूरत हो ना तो शर्माना मत, बिंदास मुझे बोल देना। अरे नहीं नहीं थैंक यू मोस्ट वेलकम। रोशन घर की दीवार में एक होल काफी है। आई लव यू सनी। अरे भाई हो गया? हाँ दादा, घर का सारा नाप ले लिया। अब कहाँ जाना है? अब हमें जेठा जी के घर पे जाना। बाबू भाई हमारे घर में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, थोड़ी थोड़ा थोड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे जो दीवार थी तो वो दीवार तोड़ दी है। हाँ ये उनके घर का डिजाइन है और इसी प्लान के मुताबिक ये दीवार तोड़ी गई थी। बेटा जी तैयार है एकदम। बाबू भाई तो दिवाली तक सबके घर का रेनोवेशन हो जाएगा ना? देखिए बहन जी, सबसे पहले हमें सबके घर में देखना पड़ेगा कि कितना काम हुआ है कितना नहीं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि दिवाली से पहले आपका काम होगा या नहीं। ठीक है? अरे तुम लोग सब खड़े क्यों हो? चलो चलो नाप लेना शुरू करो दीवार तोड़ के। चलो उतर जाए। अरे आपके घर का तो कुछ काम हुआ ही नहीं दीवार तोड़ के। हाँ बाबू भाई, वो क्या हुआ कि जिस दिन हमारा घर का काम स्टार्ट होने वाला था ना, उसी दिन जब तरंगी अमेरिका चला गया, इसलिए हमारा घर का काम स्टार्ट नहीं हो पाया। बाबू भाई वैसे ये हमारे घर के डिजाइन सब देख लीजिए। ठीक है, इनके घर का पूरा फर्नीचर और सामान नीचे शिफ्ट करो और पूरे घर का मेजरमेंट ठीक से लेना दीवार तोड़ के। दुल्हन की तरह सजाना आप मेरे घर को और थोड़ा बजट का देखना, काम बजट में हो जाए ऐसा। अरे डोंट वरी, सब हो जाएगा दीवार तोड़ के। मैडम आप सभी सोसाइटी वालों को नीचे बुला लीजिए। ये नाप का काम खत्म होते ही हम उनके साथ हिसाब किताब की बात कर लेंगे। भाई टाइम तो लगेगा ना, इतने सारे घर का काम करना है उनको तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना हिसाब करने में। क्या कुछ भी बोल देंगे तो फिर बाद में हम ही बोलेंगे अरे पहले आपने ऐसा बोला था अभी आप ऐसा बोल रहे हो, तो बराबर नहीं है। लेकिन समय बहुत लिया, बहुत ही लिया समय। आपके जितने अनुभवी नहीं है ना वो लोग बेचारे। बराबर समय लिया। क्या रोज का काम है ना ये सब काम करना। सॉरी। शांति रखने भाई, दिवाली के पहले घर का काम हो जाना चाहिए। क्या लगता है हो जाएगा? लेट्स होप सो, अभी बताएंगे वो आके यहाँ पे। यारो ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? जेठालाल क्या लगता है दिवाली के पहले हमारा काम हो जाएगा? देखो अभी क्या कहते हैं बाबू भाई। दिवाली के पहले हो जाए तो अच्छा है। क्यों दिवाली के पहले तुम्हारे शादी हो रही है? अरे भाई जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है ना। पोपटलाल थोड़ा सा वेट कर लो ना, इतना बेसब्र क्यों हो रहे हो? बाबू भाई बता देंगे ना अभी सब। तो कर रहे हैं तब से मेहता साहब। कब बताएंगे भाई, मेरा तो प्रेशर बढ़ रहा है। अगर पूरी गोकुल धाम सोसाइटी का रेनोवेशन का काम दिवाली के पहले ही हो जाएगा ना तो मैं शुद्ध घी का पजाम पिस्ता वाला सिरा सबको मजदूर भाइयों को खिलाऊंगी। अरे वाह वाह दे वाह। मैं तो डर गया था कहीं उल्टी सीधी मन्नत ना मांग ले। तो बचा लिया आपने अपने आप को।
कुमार पानी लिखे, पानी लिखे। अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने आपका हिसाब किया। अरे कोई पानी दो, पानी दो। अरे एक मिनट, एक मिनट, तुम लोग क्यों जा रहे हो? अरे कोमल बेटा जरा पानी लेकर आ। हाँ अभी लाती हूँ। अरे अरे हाँ लाइए लाइए, डॉक्टर साहब के घर का पानी है। लीजिए आराम से। देखिए हमने आपके सोसाइटी के सभी घर का मुआयना किया, आपके प्लान के मुताबिक जो जो रिनोवेशन करना है उस सभी चीजों का हमने हिसाब किया है। ऐसा लगता है कि दिवाली के पहले आप लोगों का काम काम हो जाएगा। अरे भाई वाह वाह वाह, पूरी बात तो सुनिए। बोलिए बोलिए, कुछ भी बोलिए अभी। हमें ऐसा लगता है कि दिवाली के पहले आप लोगों के घर के रिनोवेशन का काम पूरा नहीं हो पाएगा दीवार तोड़ के। ऐसा किया ना कि हो जाएगा। अरे ऐसे ऐसे मतलब नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे मतलब हो पाएगा।